जिला जानपुर, ग्राम सभा सिमरिया। अब यह रहा इस रियासत सिमरिया का जमींदार ठाकुर गजराज। केवल हिमालय हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, जिनके पास 12 गांव की रियासत थी और वो रियासत ठाकुर गजराज सिंह को विरासत में मिली। 12 गांव की रियासत का मालिक ये ठाकुर गजराज। आज जिस गली, जिस रास्ते, जिस कूचे से निकलता है लोग बादप, हमारे सामने हमारे सम्मान में सर झुका कर खड़े हो जाते। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ मांगते हैं, जमींदार हो तो ठाकुर गजराज सिंह के जैसे। जोड़ा सिमरिया में गलत करता है और ना गलत करने वालों को पनाह। इसलिए सिमरिया में रहने वालों, तुमसे मेरा कहना है कि जब तक सिमरिया की सरजमी पर ठाकुर गजराज सिंह रहेगा, ना तो किसी की मनमानी चलेगी और न रंग। और अगर किसी ने ऐसा किया तो बक्सा नहीं जाएगा। आज सिमरिया में मेरे नाम का डंका बजता है, रुद्र है, कपड़ा है। किसी पेड़ में मधवा के 2500 लठ मारूंगा, सारी रंगबाजी उतर जाएगी। तो क्या सिमरिया का शासन भी मेरा, सिमरिया का प्रशासन भी मेरा, सिमरिया का इंसाफ, सिमरिया का कानून भी मेरा। कानून के दायरे में काम करता हूं। अगर इंसाफ का तगादा कहता है तो ठाकुर गजराज भी चौराहे पर गोली मारेगा, क्योंकि जमींदार में हूं मैं। जिजराय जमाना मेरा है टिट भाट डाइट। अगर खड़े खड़े चौराहे पर गोली नहीं मारा तो समझे ना ठाकुर के पेशाब से। भगवान ने गजराज सिंह को सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत और इतनी बड़ी रियासत। आज सिमरिया में खड़े होकर देखो, जहां तक नजर जाए ठाकुर गजराज नजर आता है। सिमरिया के चारों मैं ही मैं नजर आता हूं। गुदरुआ आज सिमरिया वालों का आना, सिमरिया वालों का जाना, सिमरिया वालों का उठना, सिमरिया वालों का बैठना हमारी जमीनों पर होता है।
गांव के चारों तरफ हमारी जमीनें हैं, एक तरह से इनका ईश्वर हूं मैं, क्योंकि चार चीजें ऊपर वाले के अधिकार में होती हैं, इज्जत, दौलत, जिल्लत, जिंदगी और मौत। लेकिन आज इनका ईश्वर मैं हूं, क्योंकि जिस जमीन पर बैठकर लोग सांस लेते वो जमीन हमारी है, जिस कुएं जिस तालाब का पानी पीते वो कुआं तालाब हमारा है। तो इनके लिए इनका ईश्वर हुआ कि नहीं हुआ? गुदुरुआ पैदा हुआ। आज हम एक बात जानना चाहते हैं कि लोग सिमरिया में हमारे नाम को कहते क्या है। सिमरिया के बासिंदे हमसे दुखी हैं या सुखी हैं, ये बात जानना है। तो एक काम करो, हमारे कारिंदे भैरवा को बुलाओ जी मालिक, वही लाके खबर बताएगा। क्यों नहीं मालिक, जाओ भैरवा को बुला के ले आओ। बाले मालिक आप तशरीफ रखिए, मैं पैदा हुआ तो आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। आप तशरीफ रखिए। भैरव सिंह को आपने किस लिए बुलाया है? काम पड़ गया है। जब आज भैरव सिंह को